गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स एंड टुडेज टॉपिक इज गिव एंड टेक. लास्ट टाइम वी विल डिस्कस ट्राई दिस ऑन किट्टूज होम. हमने किट्टू के होम में कुछ पेंट करने थे, कलर्स करने थे रूम्स में, तो हमने रूम्स में कलर किए थे. आपको मैंने बताया भी था आपको कैसे कलर करने हैं. नाउ नेक्स्ट है आपका फाइंड माई फूड. अब आपको फूड पता करना है कि कौन से रूम में फूड रखा है. तो आपको इसमें दिया है, मदर ने आपको, जो किट्टू है, किट्टू की मम्मी ने फूड रखा हुआ है इसका. तो देखिए आपके पास यहाँ पे दिया है 47 = 37 + 10. तो आपका नीचे आ जाएगा 37 + 9 = करके आ जाएगा आपका, यहाँ पे ब्रश ले लेंगे हम, 40 यहाँ पे आ जाएगा आपका 46. ओके, नाउ 65 - 30 = 35. नाउ देन अगेन इज 46 + 21 = 67. नाउ 87 - 30 = 57. ओके, ये आपको दिख रहे हैं, कहीं पे समोसा रखा है, कहीं पे आपका लड्डू रखा है, ये सब मदर ने उसकी उसके लिए फूड रखा है. अब इसके बाद देखिए आपको नीचे दिया है 66 - कितना होगा कि आपका 11 आ जाए. तो यहाँ पे आप लिखोगे 55. इसके बाद नीचे आ जाएगा 45 + कितना प्लस करोगे कि 99 आ जाए. तो यहाँ पे आप कितना प्लस करोगे, 54. नाउ इसके बाद आपका थर्ड वन आ जाता है, आप कितना प्लस करोगे 26 में कि आपका 75 आ जाए. तो यहाँ पे आप प्लस करोगे 49 को. इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, आप कितना, ये वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग छपा हुआ है बुक में, तो यहाँ पे प्लस करोगे और 21 है आपका, इज इक्वल टू करके आपका 35 आ रहा है. तो आप कितना प्लस करोगे कि 35 आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14. नाउ इसके बाद आपका आ जाता है, देखिए आपके पास आ गया 36 में आप कितना, 39 में कितना प्लस करोगे कि आपका 36 आ जाए, तो आप यहाँ पे करोगे 27. इसके बाद है आपका नेक्स्ट 40 + कितना करोगे कि आपका 76 आ जाए, तो यहाँ पे आएगा 36. ना इसके बाद है आपका 50 में आपको कितना प्लस और करना पड़ेगा कि 98 आ जाए, तो यहाँ पे आप करोगे 48. ओके, ना इसके बाद देखिए 57 - कितना करोगे आपकी 20 आ जाए, तो यहाँ पे आप करोगे 37. ओके, ना देखिए आपके पास अब नीचे एक्सरसाइज है कुछ, एडिंग मेड ईजी. ठीक है, अनिशा बाउट एप्पल फॉर 37 rupees, राजू बाउट बनानास फॉर 21 rupees. द वुमन सेलिंग फ्रूट सेड, अब जो जो वुमन है उसने कैसे करके ब्रेक किया है, देखिए 37 को उसने लिखा है 30 - 37, 21 को लिखा उसने 20 - 1, सो 37 and 21 में 58. अब जो राजू है, जो राजू है वो सोच रहा है कि जो ये लेडी है कैसे उसने फटाफट से प्लस कर लिया. ठीक है, द फर्स्ट टू आई कैन डू, अब वो कह रही है जो गर्ल है अनिशा कह रही है मैंने बहुत जल्दी कर दिया ये क्वेश्चन का आंसर. तो देखिए कैसे किया है, अनिशा अबाउट एप्पल, अनिशा ने पहले तो एप्पल खरीदे 37 rupees के. इसके बाद है आपका राजू, जो है राजू ने खरीदे हैं बनानास को 21 rupees के हैं जो. अब जो वुमेन है, जो सेलिंग वुमेन है, सेल्स वुमेन है, वो क्या कर रही है, पूछ रही है कि कितने हो गए, अब जल्दी से अनिशा ने सम्स करके दे दिए. तो अब राजू सोच रहा है कि ये इतनी जल्दी सम्स करके कैसे दे दिया. तो अब देखिए, लेट अस ऑल्सो ट्राई लुक एट द सम, वो सम को करके दिखा रही है. देखे कैसे, 26 + 43, 20 + 6 = 40 + 3, 20 + 40 + 6 + 3, 60 + 9 = 69. ठीक है, वी ब्रेक 26 × 20 + 6 and 43 × 40 + 3. देन इट्स ईजी, वी एड 20 + 40 and 3 + 6. ओके, नाउ उसके बाद है आपका पेज नंबर 34 पे, देखिए आप, कैन यू डू इट अनदर वे, से हाउ. ओके, ये आपके सम्स हैं कुछ,
आपको मैंने ये सम्स करवाए भी हैं कॉपी में, सो यू डू। आपको यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, पहले आपका जो आएगा वो है आपका 57 2। नाउ इसके बाद आ जाएगा 59 देन 59, ओके 59 देन अगेन इज सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका 73 प्लस 24, इसमें आ जाएगा आपका 73 24 देन 93 4 देन आंसर इज 90 प्लस 7 इज इक्वल टू 97, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 प्लस 21, पेज नंबर है आपका 35। 56 प्लस 21 में आ जाएगा आपका 50 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 1, देन आंसर इज 70 प्लस 6 प्लस 1, देन 70 प्लस 7 इज इक्वल टू 77। 56 प्लस 21 इज इक्वल टू 56 प्लस 20 प्लस 1। ये आपको क्लूज भी दिए हैं, आई कैन डू इट दिस वे ऑल्सो। देन नाउ वर्क आउट द स्टेप्स इन योर माइंड, राइट द आंसर डायरेक्ट इन द बॉक्सेस। आपको सीधे बॉक्सेस में आंसर लिखने हैं। नाउ आपको जैसे प्लस करना है, यहाँ पे ऐड अप करने हैं, ये ऐड अप भी आप कर लोगे। नाउ इसके बाद एक स्टोरी है, स्टोरी हम पढ़ेंगे। देखिए आपको स्टोरी रीड करनी है, इसमें लिखा है लेट मी टेल यू आर स्टोरी। वंस अ बेबी लॉयन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। अब एक बार क्या होता है, बेबी जो लॉयन होता है वो एक बार जंगल में खो जाता है, ठीक है। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल आउट फॉर हिज मदर। वो अपनी मम्मी को पुकार रहा है जोर जोर से रोकर, ठीक है। एन ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिम। अब वहाँ से क्या कर रहा था, एक ओल्ड डियर था वो जा रहा था, वो उसे क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ही टुक हिम टू हिज प्लेस, वो अपने पास लेकर चला जाता है उसे। बट द अदर डियर गॉट रियली स्कैर्ड। जो और जो डियर होते हैं वो उससे, जो शेर का बच्चा है लॉयन है, उससे डर जाते हैं। सो डेड डियर अदर फ्रेंड्स रैबिट्स स्क्वायरल एंड बर्ड्स। अब जो उसके फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन है, देखिए रैबिट्स हैं, स्क्वायरल हैं एंड बर्ड्स हैं। अ लॉयन अमंग अस, ओ नो। अब जो लॉयन है वो कहता है ओ नो, ही विल ईट अप अवर बेबीज, वो मेरे बच्चे को खा जाएंगे। द ओल्ड डियर सेड डोंट वरी। अब जो आपका ओल्ड डियर था वो कहता है नहीं नहीं निश्चिंत रहो, आई विल वॉर्म हिज अबाउट दिस, मैं उसे गले से लगा कर रखा हुआ था मैंने उसे, ठीक है। इन द मॉर्निंग द बेबी लॉयन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लीव। अब एक जब सुबह हुई तो जो लॉयन है, बेबी लॉयन है, उसने थैंक किया हर किसी को, ठीक है, धन्यवाद किया और स्टार्ट टू लीव, रहने लगा उनके साथ। बट अ रैबिट सेड वेट, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, ये इस तरीके से क्या नहीं कर सकता है हमारे साथ से जा नहीं सकता है, ठीक है। लेट अस काउंट टू सी इट ही हैज डन एनी मिसचीफ, वी शुड बी 240 इन ऑल, लेट्स काउंट। अब वो काउंट करने के लिए कह रहे हैं, देखिए कैसे, टिलू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर। टिल्लू ने काउंट किया है रैबिट और डियर को, डियर वेयर 27 रैबिट एंड 48 डियर, ओके। द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स एंड स्क्वेल, देयर आर 124 बर्ड्स एंड 38 स्क्वेल, ओके। नाउ देखिए अब आगे दिया है आपको, इन दिस चैप्टर फन विद नंबर्स चिल्ड्रंस वुड हैव मेक टोकन कार्ड, द सेम टोकन कार्ड should be used for exercise in addition before children go written sums, okay। आपको इसके थ्रू एक रिटर्न सम करना है, ये हम एक्सरसाइज हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है आपका लेट अस एड एंड फाइंड आउट हाउ मैनी डियर्स एंड रैबिट्स वेर देयर। अब वो कह रहे कितने रैबिट्स और कितने डियर्स यहाँ पे प्रेजेंट है
तो ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए आपकी क्या है। ये सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। नाउ इसके बाद हम देखेंगे आप हमारी जो मेन एक्सरसाइज है वो है आपकी पेज नंबर आपकी 40 पे। पेज नंबर 40 देखिए आपका, पेज नंबर 40 में आपकी जो पेज नंबर आपका जो पेज नंबर आपका 38 है, इस पे भी एक एक्सरसाइज है। देखिए आपको दिया भी है, मैं आपको वो एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ। 237 यहाँ पे आएगा, 237 153 प्लस यहाँ पे आ गया आपका 390, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका पेज नंबर है आपका, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम से ये हम करेंगे अभी क्लास में, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर भी चुके हैं। इसके बाद पेज नंबर 40 पे देखिए आपको दिया है मैंने रफ़ी कैंडल स्टोर है। यहाँ पे रफ़ी कैंडल स्टोर में आपका एक क्वेश्चन दिया है आपको, अ शॉपकीपर रफ़ी हैड 153 कैंडल्स, पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स, हाउ मैनी कैंडल्स डज रफ़ी हैव नाउ। अब उसने कितनी कैंडल्स यहाँ से उसके पास आ चुकी हैं। देखिए अब आपको लिखा है 237 प्लस 153, आपको प्लस करना है तो प्लस करने के बाद आपका आंसर आ रहा होगा 390। ओके ना, इसके बाद देखिए आपका एक नीचे सॉल्यूशन है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आप हम क्लास में करेंगे डिस्कस। ना इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर आ जाता है आपका 41 पेज नंबर पे आपका एक और जो सॉल्यूशन है वो है आपका, ये आपको प्लस करना है तो प्लस करने के बाद आपको ये आ रहा है 182। अब इसके बाद है आपका इसे प्लस करने के बाद आ रहा है आपका 376 और 371। नाउ इसके बाद आपका इसका आ रहा है 264 प्लस 483 747। इसे मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको क्या है ये आपका। इसमें है शानू फाउंड 138 पेबल्स, करीम फाउंड इन 744 पेबल्स, हाउ मेनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल। अब यहाँ पे पेबल्स हैं आपके, पेबल्स का मतलब होता है आपका मार्बल जो होती हैं, पत्थर जो होते हैं आपके चमकदार, वो पेबल्स किसने किसने कितने कितने कलेक्ट किए हैं वो सब काउंट करने के बाद सम्स करने हैं आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम है आपकी। इसके बाद है अ टीचर केप्ट इन अ नोट नोट विच फ्रूट्स स्टूडेंट लाइक इन हर स्कूल, कितने स्कूल में वो फ्रूट्स लेके आए हैं, दिस इज व्हाट शी फाउंड, क्या ढूंढ रही है। देखिए गर्ल्स लेके आए, बॉयज लेके आए, ऑरेंज कितने लोग लेके आए, मैंगोज कितने लेके आए, और टोटल इनको आपको करना है। नाउ फाइंड आउट करना है इसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट इन स्कूल लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने लेके आए हैं, ठीक है, और कितने हो रहे हैं आपको ये यहाँ पे लिखने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगोज, मैंगोज कितने लेके आए हैं। इसके बाद है ऑल्थोर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। इसके बाद है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350, ठीक है आपको ये बताना है ना। इसके बाद है प्रैक्टिस टाइम आपका, इस ये चैप्टर का आपका प्रैक्टिस टाइम हम कर चुके हैं, आपको एक बार और समझा देते हैं प्रैक्टिस टाइम क्या होता है। आपको प्रैक्टिस टाइम में क्या करना है, इन्हें प्लस करके आपको क्वेश्चंस के आंसर नीचे लिखने हैं। इसके बाद है आपका ना, जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी वो क्वेश्चन था आपका ये वाला। नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, आप ये क्वेश्चन फिर अपनी कॉपीज में नोट डाउन भी करोगे। इसमें है आपका जो क्वेश्चन था वो है आपका 70 + 8 आएगा पहले, सेकंड वाला देखेंगे आप। इसके बाद आएगा आपका 50 + 28, नाउ इसके बाद है आपका 30 + 48, नाउ इसके बाद है आपका 78 + 0। ओके ये सब आपका कैलकुलेशन हो गई है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ये सब आपके चैप्टर का एंड था। अब आपको इसमें ये कार्ड गेम्स हैं, कार्ड गेम्स भी आपको ऐसे ही करने हैं। लास्ट में कार्ड गेम भी आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ कार्ड गेम का भी, और हम फर्दर क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपका देखिए 50 + 70 + 20
इसमें है 50 + 20 = 70। इसके बाद है 20 + 50 = 70। ओके, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, नाउ थैंक यू क्लास।